ये बड़ी खबर आप देखते हैं करनाल के प्रेम नगर से, जहां पर किस तरीके से अवैध निर्माण जो है प्रॉपर्टी जो तोड़ी जा रही है। तो ये कार्रवाई आप देख सकते हैं करनाल के प्रेम नगर में जहां पर हुई है, और फिलहाल पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है डीटीपी विभाग का, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी मौके पर है। चार दुकानों को एक के बाद एक तहस नहस कर दिया गया है। गुलजार की ये दुकानें बताई जा रही हैं जो एनडीपीएस एक्ट में जेल के अंदर बंद है। पहले दो दुकानों के एक शोरूम को तोड़ा गया और अब बाकी दो दुकानों को तोड़ा जा रहा है पीले पंजे से। ये डीटीपी विभाग की कार्रवाई और चारों दुकानों को तोड़ दिया गया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देख सकते हैं आप चारों दुकानों को एक के बाद एक तोड़ा जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इससे पहले भी कई जगह कार्रवाई की गई है और अब प्रेम नगर में ये कार्रवाई हो रही है। चार दुकानों को तहस नहस किया जा रहा है, उधर सर्विस स्टेशन तोड़ा गया है और इधर दोनों दुकानें तोड़ी जा रही हैं। इस वीडियो को आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं करनाल के प्रेम नगर के इलाके से, और ये चारों दुकानें तोड़ दी गई हैं और ये दुकानों पर कार्रवाई प्रेम नगर के इलाके से। तो बड़ी कार्रवाई करनाल के प्रेम नगर में डीटीवी विभाग की ओर से की जा रही है। दीवार तोड़ दी गई है, अवैध निर्माण यहाँ पर चार दुकानों पर किया गया था, अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाई गई थी, और उसके बाद यहाँ पर जो डीटीवी विभाग की ओर से पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, कार्रवाई करता हुआ नजर भी आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जिनकी दुकानें हैं वो महिला भी जो है काफ़ी ज़्यादा रोती हुई नजर जरूर आ रही है, उसके बावजूद जो है प्रशासन का पीला पंजा जो है, डीटीवी विभाग का पीला पंजा जो है वो यहाँ पर दुकानों पर जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल है, दो दो जेसीबी मशीनें जो है, बुलडोजर जो है वो यहाँ पर मंगवाई गई हैं ताकि प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पर तहस नहस किया जा सके, क्योंकि अवैध तरीके से प्रॉपर्टी जो है वो बनाई गई थी। उसके बाद प्रशासन का पीला पंजा जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी जो है कई बारी प्रॉपर्टियों के ऊपर जो है तो उसी तरीके से जो है पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा, जो कि अवैध तरीके से बनाई गई थी, उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन का पीला पंजा जो है चलता हुआ नजर भी आ रहा है। आपको बता दें कि ये प्रॉपर्टी जो है किरण के नाम पर बताई जा रही है, और उनके जो पति है गुलजार है जो कि जेल में इस समय बंद है, जो कि एनडीपीएस मामले में इस समय सजा काट रहे हैं, और डीटीपी है और आरएस बाट वो देखते हैं कि यहाँ पर जो उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो प्रशासन का पीला पंजा जो है चलता हुआ, तो देखते हैं कि किस तरीके से दुकान जो है वो यहाँ पर तोड़ दी गई है। उनके नेतृत्व में जो ये पूरी कार्रवाई जो है की जा रही है, प्रशासन का पीला पंजा जो है चलता हुआ नजर भी आ रहा है। जो इतनी भी दुकानें अवैध तरीके से बनाई गई थी उनके ऊपर प्रशासन का पीला पंजा जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी कई बारी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है और यहाँ पर देखें फिलहाल कार्रवाई जो है वो की गई है। देख सकते हैं कि दोनों दुकानें जो तोड़ दी गई, इससे पहले दो दुकानें तोड़ गई थी, टोटल जो है चार दुकानों पर जो है प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखते हैं कि फिलहाल चार दुकानों पर जो प्रशासन का पीला पंजा जो चलता हुआ नजर आ रहा है। जितनी भी अवैध तरीके से यहाँ पर दुकानें हैं अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई थी। इससे पहले गुलजार जिनकी ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है, उससे पहले भी जो इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है अवैध तरीके जो बनाई गई थी उसके ऊपर जो प्रशासन का पीला पंजा चलाया गया था, जो कि सैदपुरा में थी। उसके बाद जो है यहाँ पर करनाल में अगर बात करें करनाल के प्रेम नगर में जो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, डीटीपी आरएस बाट वो जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, और अब फिलहाल चारों दुकानें जो हैं यहाँ पर तोड़ दी गई हैं, ध्वस्त कर दी गई हैं, और उसके बाद प्रशासन का पीला पंजा जो है इसी तरीके से अलग अलग जगह पर जो है चलता हुआ नजर भी आ रहा है। हमारी हम सभी से अपील की जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यह पीला पंजा जो है प्रशासन का चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से जो है अलग अलग जगहों पर जाकर जो है कार्रवाई
प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से जो हमने देखा था कि अलग अलग प्रॉपर्टियों पर जाकर जो कि अवैध निर्माण बताया जा रहा था उनके ऊपर जाकर जो है प्रशासन का पीला पंजा जो चलता हुआ नजर आता और आज एक बार फिर से करनाल के प्रेम नगर में जो है प्रशासन पहुंचा है और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। हालांकि इसी बीच जो है एक घटना भी सामने आती है जो CIA इंचार्ज है मोहनलाल उनको भी जल की चोटें लगती हैं और उनके बाद जो उसको उपचार के लिए अस्पताल फिलहाल भेज दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि फिलहाल प्रशासन का जो पीला पंजा है वो चलता हुआ नजर भी आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो कार्रवाई आगे की वो शुरू कर दी गई है। हालांकि यहाँ पर जो है चार दुकानें जो कि अवैध निर्माण पाया जाता है उनके ऊपर जो पीला पंजा चल चुका है और उसके बाद यहाँ पर जो है प्रशासन भारी संख्या में पहुंचा है। पूरा पुलिस दल बल जो है यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। उसके पहले जो यहाँ पर लोगों को समझाया गया था, बिजली की दो तारें जो है यहाँ पर दुकान के बाहर गुजर रही थी, बिजली कनेक्शन भी जो है यहाँ पर काट दिए गए हैं ताकि कोई भी नुकसान यहाँ पर ना हो सके। उसके लिए जो है पूरी सुरक्षा के एहतियात जो है मद्देनजर रखे गए थे और यहाँ पर जो है फिलहाल ये प्रॉपर्टी जो है तहस नहस की जा रही है। DTP है RS बाट उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उसके बाद यहाँ पर 200 जैसी मशीनें जो है मंगवाई गई हैं और यहाँ पर जो है कार्रवाई आगे की जो है शुरू कर दी गई है। और ये देखते हैं कि फिलहाल पीला पंजा जो है दीवार तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखते हैं कि फिलहाल यहाँ पर जो है पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। DTP RS बाट जो है वो यहाँ पर जो है किस तरीके से जो है इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में जो है पूरी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। चार दुकानें थी जिसमें से जो है दो दुकानों को जो एक सर्विस स्टेशन बनाया गया था और उसके बाद यहाँ पर जो है फिलहाल दो अन्य दुकानें जो है और भी हैं उनको जो है यहाँ पर तोड़ दिया गया, उनको जो है तहस नहस कर दिया गया। और ये देखते हैं कि फिलहाल लेंटर घेर दिया गया है, छज्जा जो है तोड़ दिया गया है और यहाँ पर जो है बड़ी कार्रवाई जो है विभाग की ओर से की जा रही है, DT विभाग की ओर से की जा रही है। और यहाँ पर इसी तरीके से जो है पहले भी कई बार जो है यहाँ पर प्रॉपर्टियाँ जो है तोड़ी गई थी जो कि अवैध तरीके से जो है बनाई गई थी और आज एक बार फिर से जो है प्रशासन यहाँ पर हमारी पुलिस दल के साथ यहाँ पर पहुँचा जरूर है। उसके बाद यहाँ पर जो है कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चार दुकानें थी लेकिन अब जो है पूरा तहस नहस कर दिया गया है, अब जो है पूरा तहस नहस कर दिया गया और यहाँ पर जो बड़ी कार्रवाई है वो प्रशासन की ओर से वो विभाग की ओर से जो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। भारी संख्या में पुलिस बल जो यहाँ पर तैनात जरूर है और यहाँ पर जो फिलहाल जिनकी दुकानें हैं वो जो है उनका पक्ष भी जो हमने रखा जरूर है लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है प्रशासन भारी संख्या में जो है पुलिस दल बल के साथ पहुँचा जरूर है। आसपास के तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद प्रशासन जो है यहाँ पर अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है इसी तरीके के जो जितने भी अवैध तरीके दुकानें बनाई गई थी जो निर्माण किए गए थे उनके ऊपर जो प्रशासन का पीला पंजा से पहले भी लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो त्रावड़ी की बात हो, चाहे कुंचपुरा की बात हो, चाहे अलग अलग नेशनल हाईवे पर काफ़ी ढाबे थे त्रावड़ी थे, इससे पहले भी जो है कई बार कार्रवाई जो विभाग करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक बार फिर से जो करनाल में यहाँ पर इसी तरीके जो प्रशासन एक्टिव नजर जुड़ रहा है। हालांकि पिछले दिनों अगर बात करें प्रशासन को हरियाणा सरकार को जो धमकी भी मिली थी सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि इसी तरह की जो कार्य हैं वो यहाँ पर जो है प्रशासन की ओर से विभाग की ओर से चलते हुए नजर आएंगे। और आज एक बार फिर से जो है प्रशासन का पीला पंजा जो है यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। चार दुकानें जो कि अवैध तरीके से जो निर्माण है वो यहाँ पर किया गया था, उन दुकानों को जो है तहस नहस कर दिया गया है और जो मालिक है वो बताया जा रहा है कि गुलजार उनका नाम है जो कि जेल में इस समय बंद है, NDPS का मामला उनके ऊपर दर्ज है। लेकिन उसके बावजूद उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ पर आते हैं, उनका भी पक्ष जो हमने रखा जरूर है और उससे पहले जो है काफ़ी ज़्यादा वो परेशान होते हुए नजर भी आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर कंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्रवाई की गई है वो गुलजार की है नहीं है उससे फर्क नहीं है। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंप्लेंट थी, तीन दुकानों की, तीनों तोड़ दी गई है। अगर ऐसी 10 दुकानों की और आएगी वो भी तोड़ेंगे। सर, कितना समय पहले नोटिस जारी किया जाता है? सर कितना समय पहले नोटिस जारी किया जाता है? एक हफ्ते का समय बिल्कुल दिया जाता है। उसके बाद CIA स्टाफ वाले भी कल आए, इनका सामान भी था, शायद इन्होंने किराए पर दे रखे होंगे, उनको हटा के सामान बिल्कुल निकाल के हमने तोड़ा। सर आपको यदि इस प्रकार के अवैध निर्माण की कोई सूचना मिलती है तो आप उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे? देखिए ये तो आपको देखना चाहिए, मीडिया प्रबंधों को ज्यादा पता है कि मैं कैसे कार्रवाई करूँ। निगम की टीम भी आई है तो ही सामान निकाला, तो सामान ना निकाला होता तो ये कंटेंशन तो उनकी सर, पूरे करनाल में इस तरीके से कार्रवाई होगी? देखिए अगर आप मानते हो कि ये कार्रवाई जरूरी है करनाल के रेजिडेंट्स के लिए और करनाल के शहर के लिए तो ये ऐसे ही चलेगी। सर देखा जाए जहाँ तक गरीबों का मकान है इस प्रकार की जमीन में, देखिए ऐसे आप पहले फैक्ट्स अपने वेरीफाई करें कि किसकी है क्या है, और लॉ में कभी गरीब अमीर नहीं लिखा, जिसने कंस्ट्रक्शन इलीगल की है वो अमीर हो गरीब हो, अमीरों को भी टूटे तब आपने क्वेश्चन नहीं किया। हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जिनकी ये दुकानें किराए पर उन्होंने ले रखी थी, अपना काम जमाया हुआ था। क्या आपने किराए पर ली थी, क्या काम कर रहे थे आप यहाँ? एक सर्विस स्टेशन था हमारे पास और यहाँ पे साथ में छोटे भाई ने शेफ फूड का काम किया हुआ था। हमारा पिछले 2-2.5 साल से शेफ फूड का था, 1 साल से सर्विस स्टेशन का काम चला रहे थे, पर इन्होंने ये भी नहीं देखा कि जो हम रोजगार कर रहे हैं वो भी खो दिया
मालकों का तो तोड़ा ही तोड़ा, उनको पहले भी वहाँ पे तोड़ा, लास्ट एक प्रॉपर्टी उनके पास बची थी, इससे उनका गुजारा चल रहा था, बैंक का लोन था, किस्त जाती थी, सारा कुछ होता था इससे। अब उन्होंने ये भी तोड़ दिया सरकार ने। बस सरकार का काम क्या होता है कि रोजगार देना, यहाँ की रोजगार छीनना। इन्होंने रोजगार छीन लिया, तीन चार बंदे यहाँ काम भी करते थे, वो दिहाड़ीदार थे, उनकी भी रोटी चलती थी। अब दो जाने हम भी यहाँ दोनों भाई करते थे, हमारा भी एक टाइम के लिए तो हमको कर दिया ना उन्होंने, आगे हम कहीं ढूंढे की दुकान तब हमारा कामगार चलेगा। तो आपको पता था ये चक्कर तो लगा रहे थे पुलिस वाले, तो तोड़नी है पर ये नहीं पता था कि एकदम आज ही कार्रवाई हो जाएगी। कोई सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया यहाँ पे कोई पोस्टर लगाने, बस एक बार ही कल आए, एक घंटे का टाइम है खाली कर दो, हमने खाली कर लिया था फिर सामान अपना, तो बस आज इन्होंने नोटिस कर लिया था। आपको नोटिस नहीं दिया, मुख जुबानी बोल के गए थे। आपको पता था ये गुलजार की दुकान है? पता है, हमारे पड़ोसी हैं शुरू से, हमें पता है अंकल, वो उसने तो अपना जो जो काम किया उसकी तो सजा भुगत ली, सजा भी भुगत ली उन्हें, कोर्ट कचहरियों में पैसे भी खर्च लिए, वकीलों को भी पैसे दिए, सारे सौदे कर लिए, आखिर में फिर उनको यही सिला मिलना था। तो आपकी भी दुकान थी इसमें? मैं यहाँ, मेरा ये दो साल से शेफपुर सर्कल था, यहाँ मैं यहाँ काम कर रहा था, बहुत मेहनत से काम कर रहे थे यहाँ, मेरा सारा दिन रात मेहनत करते थे, पर इन्होंने एक झटके में सारा कुछ तहस नहस कर दिया। तो क्या कुछ अपील की थी आपने प्रशासन? कहा था नहीं सुनते, इनको बोला था कि ये जो पहले तो ये गुलजार के नाम सुनने में आया था कि नहीं है शॉप ये थी, उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने बस तोड़ दी। आपको पता है वो NDPS एक्ट में जेल में है? वो तो है, 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 वो तो है, पता है, पता है, सबको पता है, बाकी उनकी फैमिली तो सभी बाहर है, फैमिली तो सारी ठीक है, उनकी मिसेज है, वो बीमार रहते हैं, उनको भी ठीक है, उसके लड़के हैं, उन्होंने तो घर की इससे किराया जाता था, उनकी रोटी चलती थी, तो अब उनका भी कर दिया नाश। करनाल के प्रेमनगर के इलाके में आज DTP विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिलती है। ये चार दुकानें हैं जिन्हें तहस नहस कर दिया गया, ये सर्विस स्टेशन है जिसे तोड़ा गया है, और इसके साथ ही साथ ये दो दुकानें और हैं जिन्हें आज DTP विभाग और पुलिस प्रशासन की तरफ से तोड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं वो सर्विस स्टेशन है जहां पर पानी की सप्लाई भी थी, और साथ ही साथ इसके अलावा दो दुकानें और हैं जिस फवारे से, जिस गैस के माध्यम से गैस को गाड़ी को धोया जाता था, उसका यहां पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्लांट भी लगा हुआ है, और इसके अलावा दो दुकानें और हैं जिन्हें तोड़ दिया जाता है। ये कार्रवाई की गई है DTP विभाग और पुलिस प्रशासन की तरफ से, चार दुकानों को तहस नहस कर दिया गया। गुलजार की ये दुकानें बताई जा रही हैं, उनकी पत्नी के नाम पर ये चारों दुकानें हैं। गुलजार के ऊपर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज है, और साथ ही साथ गुलजार फिलहाल जेल में बंद है, और इससे पहले भी DTP विभाग की तरफ से करनाल में कई जगहों पर कार्रवाई देखने को मिली, चाहे वो कुंजपुरा का इलाका हो या फिर नेशनल हाईवे का इलाका हो, तरावड़ी का इलाका हो, सैदपुर गांव का इलाका हो, और अब तहस नहस चार दुकानें कर दी गई हैं DTP विभाग की तरफ से। अवैध कंस्ट्रक्शन और साथ ही साथ जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे उनके खिलाफ प्रशासन सरकार सख्त नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।